हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। आज हम पनीर का पराठा तैयार करेंगे। छोटे बच्चे रोटी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर पनीर का पराठा बनाकर देंगे तो वे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो चलिए आज बच्चों के मनपसंद पनीर का पराठा तैयार करेंगे। यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे कोई भी खा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसे तैयार करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, इसके साथ 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया लेंगे। इसके साथ 50 ग्राम पनीर को हम ग्रेट करेंगे। हमें 4 पराठा बनाना है तो 50 ग्राम पनीर लेंगे, और अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप सारा पनीर ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाला डालेंगे, जैसे कि 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आमचून पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आटा में भी हम थोड़ा सा नमक और अजवाइन ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने 4 पराठा के लिए आटा ले लिया है, तो इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। पनीर मिक्स करने के बाद आटा भी हम गूंथकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पराठा के लिए डो तैयार करते हैं या रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा को गूंथकर तैयार करेंगे। और गूंथने के बाद मैंने इसे 4 पार्ट में बांट लिया है, और मिक्स किया हुआ पनीर को भी मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। अब हम रोटी में पनीर को भरेंगे और इसको बेलकर पराठा तैयार करेंगे। तो मैंने 1 लोई ले लिया है। अब इसमें हम पनीर को भरना शुरू करेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा हम जगह बनाएंगे और इसके अंदर पनीर भरेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आपको पनीर भरकर तैयार करना है, और इसके बाद इस तरह से हमें बेलकर तैयार करना है। बेलने के बाद रोटी वाले तवा को हम गर्म करेंगे, और जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा, इस पर हम पराठा उठाकर रख देंगे और सेकना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रोटी की तरह मैंने इसे पलट दिया है। अब हम जैसे एक साइड हल्का सा सिक जाए, तो हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल, देसी घी या बटर, इन तीनों में से आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल लेंगे और इसके चारों तरफ फैलाएंगे, और इस तरह से हम पलट कर सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, और इसके बाद इस तरह से हम निकाल कर प्लेटिंग कर लेंगे। बचा हुआ भी इसी तरह से हम भरेंगे और बेलकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम चारों पराठा को सेक कर तैयार करेंगे और मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। कितना सुंदर पराठा तैयार हुआ है। देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है, और बच्चों का तो फेवरेट होता है। तो जब भी आपका बच्चों के लिए कुछ हल्का और चटपटा बनाना हो, तो आप पनीर का पराठा तैयार कर सकते हैं, या नवरात्र के 9 दिन के व्रत में आप फास्ट में हैं और केवल बच्चों के लिए ही खाना बनाना है, तो इस तरह की चीजें अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत चाव से खाएंगे, और बच्चों के हेल्थ के लिए भी सही है। तो आप इसी तरह से पनीर का पराठा अपने घर पर बनाइए। मीठी चटनी, हरी चटनी, जिसके साथ भी आपका मन करे, या ग्रेवीदार सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से पराठा आप अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।